और ये देख लो, राइड स्टार्ट किया और बारिश चालू। सो यस, मज़ा तो आने वाला है लेकिन यार व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। सो देखते हैं बारिश कब तक है। सो जैसे ही बारिश रुकती है आई कैन सी जो आगे नहीं कुछ होगा देन व्लॉग स्टार्ट करूँगा। बट वैसे भी शाम होने वाली है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:30 PM द इवनिंग। तो देखते हैं जहाँ तक हो सके, मैं कैमरा तो नहीं चालू करूँगा बिकॉज इट्स रेनिंग, बट जैसे ही बारिश बंद होती है आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग। यस, सो फाइनली बारिश रुक गई है एंड आई हैव स्टार्टेड दिस कैमरा। तो चले शुरू करते हैं अपने राइड पे। मैं पहुंच गया हूँ अभी विले पार्ले। अब तक थोड़ी बारिश की बूंदे थी, आई मीन द सडनली फ्रॉम मलाड ऑनवर्ड्स बारिश नहीं थी बट रोड पूरा गीला था एंड मुझे थोड़ा कैमरा के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना था, सो दैट्स द रीज़न मैंने सही नहीं समझा तभी कैमरा निकाल के ब्लॉक करना। सो अभी मैंने स्टार्ट किया है एंड मुझे थोड़ा स्पीड मेंटेन करना है। आई शुड नॉट बी गोइंग बियॉन्ड 60 किलोमीटर पर आवर। सो अभी फ़िलहाल बजे है 7:40 एज ऑफ नाउ और हमें पहुँचते मतलब अगर नॉन स्टॉप ही जाना पड़ेगा हाईवे पे तो कुछ मिलने नहीं वाला। सो डेफिनेटली वी वुड नीड 3.5 आवर्स एटलीस्ट इस स्पीड पे तो मेंटेन करते समय। 3.5 आवर में कमी बोल रहा हूँ, आई बिलीव इससे ज़्यादा ही स्पीड टाइम लगने वाला है। नाउ व्हाई डिड आई चूज़ हिमालयन, यस सब्र रखो थोड़ा, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने हिमालयन क्यों चूज़ की। फर्स्ट लेट मी गेट आउट ऑफ द सिटी एंड वंस आई एम ऑन हाईवे मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे क्या और क्यों मैंने चूज़ की हिमालयन। सो आई एम टेकिंग दिस सायन रूट, सायन धारावी रूट। सो सायन धारावी होने के बाद चेंबूर, चेंबूर के बाद मानपुर, तो मानपुर के बाद तनखारगर, ऐसे करते करते हम लोग पनवेल पहुँचेंगे। काफ़ी दिनों बाद मुंबई में आया मैं, काफ़ी महीनों बाद, आई मीन एटलीस्ट 4 मंथ्स 9 डेज, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई मीन इट्स सेवन, इट्स ऑलमोस्ट 7:50 और इस टाइम पे रोड्स खाली, आई मीन इट्स अ रियली मिरेकल। बट इस लॉकडाउन के चलते अभी आई मीन सारे लोग हक्का पक्का हो गए बट लोग फॉलो कर रहे, हम जैसे ही पागल लोग बाहर घूम रहे, डिलीवरी ले रहे, व्लॉग बना रहे। बट द थिंग इज़ लाइक मैंने भी 6 महीने इंतज़ार किया है। फेब के 10 या 12 तारीख को मैंने बाइक बुक की थी, आई मीन मैंने बहुत इंतज़ार किया और उस इंतज़ार के बाद ही अभी फाइनली जब थोड़ा सा लॉकडाउन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए सो तभी जाके मैंने पास निकाला एंड देन आई एम राइडिंग दिस बाइक टू होम। नई बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग चेंबूर पहुँचे नहीं है बट अभी पहुँचेंगे चेंबूर में, अभी वी आर जस्ट क्रॉसिंग कुरला एज ऑफ नाउ। मेरी फर्स्ट ही राइड पे मुझे अभी पता चलेगा कि हिमालयन का हेडलाइट, आई मीन वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ और डू आई नीड टू इंस्टॉल द फॉग लैम्प्स एज वेल। सो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिखाने लायक नहीं है, सो वॉट वी कैन डू इज़ दैट मैं पहले हाईवे पहुँच जाता हूँ, सो हाईवे के बाद ही हम लोग मिलते हैं आफ्टर द वाशी टोल। ओके, तब तक के लिए होल्ड ऑन। हे हेलो गाइस, सो मैंने वाशी का टोल क्रॉस किया है एंड अभी मुझे ये एक राइडर फ्रेंड मिले हैं जिनका नाम है अलोक, और ये है अलोक और उनकी ये बाइक है यामाहा। सो जस्ट फ्रेंडशिप हो गई है और नए ग्रुप में ऐड भी हुआ हूँ, सो नोमैडिक राइडर्स इज़ द राइडिंग ग्रुप नेम। सो यस, और इंस्टाग्राम और nomadic_riders, सो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स डाल दूंगा, सो प्लीज़ फॉलो एंड गिव अ थम्स अप टू दिस प्रोफाइल। सो मिलते हैं अभी साइडल पे एंड ये है नोमैडिक राइडर्स, काफ़ी कूल स्टाइल है इनका, दो सिंह एंड रियली नाइस। काफ़ी सारा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अपने माइक पे, हेलमेट पे, बाइक पे, टॉप बॉक्स पे हो रही है यार अंदर। एक तो ऊपर से रेनकोट पहना है सो हवा तो बिल्कुल अंदर जाने का चांस नहीं। सो कामोटे हमने क्रॉस कर दिया है और अभी हम पहुंच रहे हैं पनवेल। रोड्स भी काफ़ी खाली है, सो हैप्पी फॉर दैट एज वेल। अब इसके आगे
भीड़ एकदम से कम होने वाली है, वो दैट्स फॉर श्योर। वो भी थोड़ा दिख ही रहा है, अगर भीड़ मिली तो ट्रक्स की मिलने वाली है। Yeah, so अभी फुल फ्लेज हाईवे विद नो स्ट्रीट लाइट्स नथिंग और here we go। So हम लोग ने पनवेल खामोठे सब क्रॉस करके नाउ वी आर बिटवीन दिस पनवेल एंड कपोली। आई एम रियली नॉट श्योर आपको कितना दिखाई दे रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज व्हेन वी कैप्चर्ड बाय GoPro, बट या एंजॉय, जो दिख रहा है जो एंजॉय कर लो। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाई आई चूज हिमालयन, सो मैंने ऑप्शन डिसाइड किया कि पहले बात तो मुझे क्या चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द बाइक्स वाज लाइक गड्ढे। हमारे रोड्स, इंडियन रोड्स ना जाने कब बदलेंगे, बट अगेन इंडियन रोड्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, सो गड्ढे तो रहेंगे ही, एंड दैट्स द रीज़न मैंने फिर थोड़ा सा एडवेंचर की तरफ मैं तभी झुक गया था कि यस एडवेंचर बाइक्स आता द बाइक्स दैट आई कैन गो फॉर। सो मैंने सोचा था कि क्या करें, कौन सी बाइक लिया जाए। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ थोड़ा सा लुक एंड थोड़ा सा व्हाट यू कैन स्पीड भी। दिस सडनली न्यूज़ एमर्ज्ड ऑफ KTM 390 एडवेंचर बीन गेटिंग लॉन्च्ड। सो वो जब न्यूज़ आई थी देन डेफिनेटली मैंने जब तभी सोचा कि यस दिस इज़ द बाइक दैट आई शुड रियली गो फॉर KTM 390, जिसमें मुझे स्पीड भी मिलेगा, एडवेंचर भी मिलेगा एंड आई रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट द पॉट होल्स। देन सडनली न्यूज़ एमर्ज दैट रॉयल एनफील्ड इज़ लॉन्चिंग अ BS6 वेरियंट ऑफ हिमालयन। हिमालयन लॉन्च हुई थी एंड सभी को पता ही है द लॉन्च में उन्होंने सेम रॉक रेड वर्जन करके यूज़ किया था एंड आई वॉज टोटली इन लव विद दैट कलर एंड द लुक ऑफ द बाइक। यस, मैं थोड़ा सा एक चीज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत थी मुझे हिमालयन के लिए, वो था ये एनालॉग कंसोल। थोड़ा सा मैं तभी बोल रहा था कि नहीं यार ये एनालॉग कंसोल नहीं चाहिए, इट्स एरा ऑफ अ डिजिटल थिंग और डिजिटल होना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न थोड़ा सा मेरा लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो रहा था हिमालयन की तरफ। बट जब बाइक लॉन्च हुई दैन ओवरऑल उसका लुक देख के आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। देन अगेन सडनली मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे हिमालयन और एक्सपल्स का कंपैरिजन किया जाता है, आई स्टार्टेड अगेन लविंग एक्सपल्स मोर। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हिमालयन, एक्सपल्स एंड KTM 390 एडवेंचर, और तब मुझे महसूस हुआ कि KTM 390 एडवेंचर इज़ अ मियर 4.5 लैक्स ऑन रोड्स। सो वहाँ पे मैंने सोच लिया कि नहीं यार स्ट्रीट ट्रिपल लेने के बाद इतनी बड़ी जंप मेरे से तो नहीं होने वाली। एंड द बाइक इज़ प्रीटी वेल, नो आई मीन द प्राइड इज़ प्रीटी गुड, नो डाउट। सो KTM 390 एडवेंचर डेफिनेटली वॉज नॉट फॉर मी एंड मैंने वहाँ से ही उसको मेरे दिमाग से निकाल दिया। यस, बट इफ आई हैड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी दैन डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन फॉर। देन अगेन एक्सपल्स जो था दैट्स अ रियली रियली गुड बाइक इन टर्म्स ऑफ बजट, 1,04,000, आई मीन एब्सोल्युटली स्टनिंग बाइक। मैं वही देख रहा था कि पिलियन राइडल पे कंफर्टेबल होना चाहिए एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। इन एक्सपल्स द पिलियन राइडर विल नॉट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर सिटिंग एंड सो यू नो थोड़ा सा क्रंच है, सो दैट्स अ रीज़न यू नो ही और शी वुड बी सिटिंग, सो दे विल नॉट बी दैट मच अमाउंट ऑफ कम्फर्टेबल फॉर लॉन्गर राइड्स। एंड यस दैट्स व्हेन आई ज़ीरोड ऑफ फॉर हिमालयन एंड देन द बुकिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग गॉट स्टार्टेड। सो ये है मेरी कहानी, मैंने हिमालयन क्यों चूज़ की और कैसे चूज़ की, एंड आई एम रियली नॉट श्योर व्हेन इट हैपेंड, बट दिस एनालॉग कंसोल सडनली आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, आई एम रियली नॉट श्योर। यार इतने सारी बात करने के बाद अभी देखते हैं हम खोपोली कब पहुँचते हैं। सो सीधा मिलते हैं आपको खोपोली पहुँचने के बाद, बिकॉज देर इज़ नथिंग टू शो, सब जगह पे ब्लैकआउट है। यस, रोड खाली है जैसे मैंने पहले भी बताया था। सो सीधा मिलते हैं आपको खोपोली क्रॉस करने के बाद। एंड खंडाला घाट की समाप्ति होगी, हम आ गए हैं लोनावला। एंड इसका ऊपर देखो, दिस इज डिपर, दिस इज अपर। सो
अपर सीम्स गुड, कुछ बुराई तो नहीं है। तो ये है सबसे विवादित स्पॉट, यहाँ पे काफ़ी चेकिंग होती थी और कोविड के सिचुएशन में। सो दिस रोड गोज टू भूसी डैम। सो यहाँ पे कोविड के सिचुएशन में भी लोग आ रहे थे जस्ट टू एंजॉय। एंड हम ये पहुँच गए देव फाटा, तो यहाँ से हम राइट लेंगे टू गो टू आरजे। सो फाइनली यू हैव रीच पुणे विदाउट एनी हिकअप्स and successfully completed the very first ride of Himalayan. So yeah, very happy with the performance. कुछ भी तकलीफ नहीं आते समय, Himalayan ने अच्छा performance भी दिया। And yes, I can see in the odometer that I have completed 200 kilometers as well. Hey, bhari, mast. So yeah, happy. So यहाँ तक देखने के बाद लाइक तो बनता है बॉस। So please like, share and subscribe. More interesting vlogs coming your way. And yes, अभी हिमालयन आई है तो ऑफ रोडिंग के कैंपेन्स और ये वो फलाना ढिमकाना होगा, बट नॉट एट द मोमेंट। सो यहाँ तक देखने के बाद लाइक तो बनता ही, जैसे मैंने पहले कहा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा आई डी इज़ दिनेश रिमजे। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू। Till then, take care, ride safe, bye-bye.